कालका तहसील की ओर से जमीनी खरीद फिरोश्त पर सन 2013-14 में बढ़ाए कलेक्टर रेट का पिंजौर में विरोध शुरू हो गया है। बढ़े रेट बीते सोमवार से लागू हो गए हैं। इन्हीं बढ़े रेटों से नाराज व इन्हें वापस ले जाने की मांगों को लेकर नई बनी कालका संघर्ष समिति के सदस्य शुक्रवार को कालका तहसील के सामने एकत्रित हो अपना रोष व्यक्त करेंगे। ये निर्णय वीरवार को पिंजौर स्थित समिति के कार्यालय में हुई बैठक के दौरान लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए समिति के प्रधान मोहित ने सरकार की ओर से बेहताशा बढ़ाए गए कलेक्टर रेट को आम लोगों के साथ छलावा बताया। वहीं मोहित ने सरकार के इस निर्णय से आम जनता ही नहीं बल्कि कालका व पिंजौर के प्रॉपर्टी डीलरों के साथ भी अन्याय बताते हुए कालका तहसील में धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही। सरकार ने जो कलेक्टरेट 2010 और 11 के विपत्त के मुकाबले 2013-14 में निकाले, इसमें असामान्य वृद्धि पाई गई है, जो कि लगभग 300 से लेकर 400% तक भी वृद्धि आई है किसी किसी क्षेत्र में। बाकी 90 हलकों के मुकाबले सिर्फ कालका क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें कि असामान्य वृद्धि पाई गई है। इसके एवज में हम एक रोष प्रदर्शन कल कालका तहसील के सामने 9:30 बजे करेंगे, और ये कोई भी पॉलिटिकल नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम कालका बचाओ समिति के ओर से कालका बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि भारी जनसंख्या में पहुंच के वहाँ पे अपने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की जाए, आरम्भ की जाए। समिति के सदस्यों के अनुसार शुक्रवार को कालका तहसील में धरने के समय सभी राजनीतिक पार्टियों के कर्मचारियों व डीलर एसोसिएशन के सदस्यों सहित सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।